टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, कुछ चर्चाएं भी दौरान हुई है। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए और पुराने दोनों चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है, कई जगह जलभराव भी देखने को मिला है। थूथुकुड़ी के कई इलाकों में बारिश की वजह से जलभराव देखने को मिला। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का तरीका आज तय हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद की सुनवाई होगी। 14 दिसंबर को श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी कोर्ट ने मंजूर की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर अमरावती रोड पर एक दुर्घटना स्थल से गुजरते समय अपना काफिला रोक दिया। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी काफिले की एम्बुलेंस दे दी। कांग्रेस ने इस मुहिम का नाम डोनेट फॉर देश रखा है। आज यानी 18 दिसंबर को दिल्ली से इसकी शुरुआत होगी। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस मुहिम में कम से कम 1380 रुपये का योगदान देने को कहा है। भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। जहर दिए जाने के बाद उसके अस्पताल में भी भर्ती होने का दावा है। दाऊद की हालत गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज ट्विटर तक फिलहाल डाउन है। इसको भी दाऊद की खबर से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू कासिम ने भी दाऊद इब्राहिम की हालत नाजुक होने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काफिले की एक कार एक एसयूवी से टकरा गई। हादसा रविवार को डेलावेयर के विलिंगटन में हुआ। कार की टक्कर तब हुई जब बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। प्रिया सिंह को गाड़ी से टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल इन तीनों से गंभीरता से पूछताछ करने में जुटी है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता विनोद तावड़े का एक बयान काफी चर्चा में है। पत्रकारों ने जब उनसे महाराष्ट्र की राजनीति और अगले मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने पलटकर सवाल किया कि क्या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप यह प्रश्न क्यों नहीं पूछते, कभी कभी मेरा भी ख्याल रखें। नागपुर जिले में आज रविवार सुबह विस्फोटक बनाने वाली एक फैक्ट्री में धमाके के साथ बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। लेकिन हादसे के बाद पीड़ित परिवार के लोग अपने करीबियों के शव को देखने फैक्ट्री के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया, जिससे वहां पर तनाव की स्थिति बन गई। हादसे में मारी गई एक महिला के पिता ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे उसकी बेटी का शव दे दिया जाए। कई लोग अपने परिजनों के शव के इंतजार में घंटों खड़े रहे। गुजरात के सूरत में बने डायमंड बोर्स कॉम्प्लेक्स पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि देश की जगह एक ही राज्य का विकास हो रहा है। पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे परियोजनाओं को गुजरात ले जाया जाए। मुंबई के बीकेसी इलाके में एक सीआईएसएफ के सिपाही ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इस घटना से पूरे इलाके में खलबली मची हुई है। जवान के घर पर इस बात की जानकारी दी गई है। वह जवान ने जहां खुद को गोली मारी है उस जगह की फोरेंसिक टीम ने जांच करके सबूत इकट्ठा किए हैं। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज की शानदार शुरुआत की है। टीम ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से हरा दिया। भारत ने यह मैच 8 विकेट से अपने नाम किया। इस जीत में भारतीय टीम की गेंदबाजी जमकर चमकी। भारत ने साउथ अफ्रीका को बेहद सस्ते में आउट करा दिया। साउथ अफ्रीका टीम महज 116 रनों पर ढेर हो गई। जोहान्सबर्ग के मैदान पर टीम इंडिया ने पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया। साउथ अफ्रीका पर जीत के हीरो हर्षदीप रहे जिन्होंने महज 37 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। हर्षदीप ने खुलासा किया है कि मैच के दौरान उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन केएल राहुल ने उनके अंदर आग भर दी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच के दौरान एक बड़ी खबर आई है। टीम इंडिया के युवा विकेटकीपर गल बल्लेबाज ईशान किशन साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बयान जारी कर बताया कि ईशान किशन 2 मैचों के सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। अब फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है, जिसके आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। एडवांस बुकिंग की ताज़ा रिपोर्ट्स को देखने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाहरुख की पिछली दो फिल्म पठान और जवान की तरह डंकी भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। रणबीर कपूर के एनिमल ने वीकेंड पर एक बार फिर कमाल दिखाया है। रविवार को फिल्म के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। इसी के साथ एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। वह इंडिया में भी ये फिल्म 500 करोड़ के पार चली गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 21 दिसंबर को डंकी के रिलीज से पहले ये 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी। बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और काजोल की मां तनुजा की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है। 80 साल की एक्ट्रेस को जूही के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि फिलहाल एक्ट्रेस आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टर्स की निगरानी में है।
ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइटर का 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में आगमन होगा। टीजर देखने के बाद से फैंस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि पोस्टर्स और टीजर में जो फाइटर जस्ट दीपिका और ऋतिक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी है। फिल्म अगले साल यानी 2024 में रिलीज होने जा रही है। साल खत्म होने से पहले एक्टर फिल्म की शूटिंग खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच वरुण धवन के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल एक्टर को शूटिंग के दौरान चोट लग गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यही लगातार चलता रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।